पी चिदंबरम की अपील सुप्रीम कोर्ट में की खारिज। पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। बता दें कि पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, जहां चिदंबरम की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। फिलहाल पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बता दें कि पी चिदंबरम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक बहुत बड़ा झटका है पी चिदंबरम के लिए। बता दें कि अब पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर अतुल एहसास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, एक बार फिर से चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब कहीं भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है पी चिदंबरम को, क्या कुछ कहेंगे आप? जहां पर सोमवार को तक की जो अरेस्ट नहीं करने की एक सुप्रीम कोर्ट ने पहल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सोमवार तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट के साथ जब जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने बार बार ये कहा कि हमारा पक्ष रखना बहुत जरूरी है और हम अपने पक्षों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं, पेपर दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वह फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है और उन किन तथ्यों पर हमने इन्हें अरेस्ट किया है, इन सारी चीजों को लेकर जहां पर तथ्य सारे कहीं ना कहीं अपने तरीके से बेजुबान तथ्य जब जुबानी रूप से बोल रहे हों कि नहीं ये गलत है और इस तरीके से चिदंबरम ने ये किया है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं पे भी ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई की गिरफ्त में रहेंगे या सीबीआई उनके हिरासत में रखेगी, उनसे पूछताछ करेगी और सारी जानकारी लेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन देखा जाए तो इस मामले को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के चलते इस मामले को तूल दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिदंबरम ने भी इस बात को प्रेस के सामने कहा था और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद किस तरह ये मामला मोड़ लेगा? देखिए, राजनीतिक रूप की कोई बात नहीं है, केवल एक सिंपल सा ये है कि जब साबरमती वाला केस चल रहा था तब अमित शाह उस समय में वहां पर दोषी थे और ये गृह मंत्री थे, केवल लोग उससे उसको रिलेट करना चाह रहे हैं कि समय का चक्र बदलता है और उस समय के चक्र के हिसाब से आज अमित शाह गृह मंत्री हैं और वो कटघरे में हैं। बात ये नहीं है, बात इतनी सी है कि अगर आप 3500 करोड़ की आप बात करते हैं, आप अपने गमले में 100 करोड़ की गोभी उगा लेते हैं, ये सब आंखों में धूल कब तक झोंकेंगे आप? ये एक सबसे बड़ी बात, ये तथ्य सामने हैं, इन तथ्यों पे कहां पर बात करेंगे? एक व्यक्ति अपने बगीचे में कृषि का क्या 100 करोड़ की गोभी उगा सकता है? नहीं उगा सकता ना, तो ये सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें भले आप अपने आप के बचाव के लिए वो कुछ भी कहना चाहें कि राजनीतिक कहीं द्वेषतापूर्ण हो रहा है, लोकतंत्र का हनन है या बाकी सारी चीजें हैं, परंतु वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे बदले हैं, बहुत सारी तरीके से लोगों को अननेचुरल तरीके से और अलग तरीके से उन्होंने लोगों को सहायता दी है, नियम कायदों के साथ बदल कर सहायता दी है। इंद्राणी मुखर्जी जब जिस तरीके सरकारी गवाह बनती है और वो सारी चीजें उनको कहती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सत्य तो है ना सामने। ऐसा तो है ही नहीं कि सीबीआई को द्वेषतापूर्ण काम करेगी या ईडी जबरदस्ती उसके अंदर आकर बात करेगा, जब कैसे कर सकते हैं? इतने बड़े पोर्टफोलियो के व्यक्ति के ऊपर हाथ डालने से पहले सीबीआई को भी सोचना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा, पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, इवन दैट जजेस भी सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनके सामने जिस व्यक्ति का केस है उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो व्यक्ति क्या देश के अंदर कितनी बड़ी अपनी अस्तित्व रखता है, ये सारी चीजें सोचने की। अब इसमें राजनीतिक फूट देना, तो अब देखिए अपने बचाव के लिए किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक फूट दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से बात की जा सकती है। ठीक है, चलिए अतुल जी, हमारे साथ संवाददाता आकांक्षा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी आकांक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है पी चिदंबरम की, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की घबराहट बढ़ती जा रही है कि अब अगला नंबर किसका होगा, क्या कुछ कहना है आपका? जी कृतिका, ये जो है ये मामला आईएनएक्स का, वो काफी यहाँ पे उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी वकीलों की टीम इस ये में लगा रखा था, इस केस में लगा रखा था कि चिदंबरम को किस तरह इससे निकाला जा सके, पूरी तरह से कांग्रेस लग गई थी।
लेकिन इसके बावजूद भी कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी और पी चिदम्बरम की बेल को खारिज कर दिया गया। और 21 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 20 अगस्त से ही सीबीआई उनके घर पर जांच पड़ताल की काम अपनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो एक गायब थे। लेकिन वो फिर 21 अगस्त को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके घर में लगभग 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद वहां पे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद ये जो आईएनएस का जो ये था, शुक्रवार को इसे टालकर मंगल सोमवार तक किया गया था, लेकिन आज भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी क्योंकि आज भी इनकी बेल को खारिज कर दिया गया है पूरी तरह से। तो ये कांग्रेस को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिकंजा जो है उनके चारों तरफ घूमता नजर आ रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद भी आज वो अपने एक नेता को, नेता प्रतिपक्ष को बचा नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें इस बात की खलबली सी मची, हम कह सकते हैं। तभी उनके पूरे नेता का एक टीम जो होता है, पूरे वकीलों की एक टीम इस केस के पीछे लगा रखी है उन्होंने। जी बिल्कुल आकांक्षा, हमारे साथ अतुल जी भी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बात कर रहे थे कांग्रेस में घबराहट की, तो देखा जाए तो कांग्रेस में तो घबराहट है ही, साथ ही आम लोगों को भी कहीं ना कहीं इंतजार है कि जो ये कानून का शिकंजा कसा जा रहा है पी चिदम्बरम पे, अब अगला नंबर किसका होगा। गाय बगाये बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं कि किसका नाम होगा, किस तरीके से होगा। परंतु आप एक चीज देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिदम्बरम के इस केस के बाद अभी कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी हैं या बाकी लोग हैं, उनके शुरू में परिवर्तन आ गया। वो अपने तरीके से बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी तरीके से उनका जो काम है, शशि थरूर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मोदी के कार्यकलापों की हमको तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बेहतर काम किए हैं। आपको बीच में रोकना चाहेंगे, जो बयान सामने आ रहे हैं अब, बयान बदलते हुए नजर आए, क्या इसे कांग्रेस की घबराहट ही कहा जाएगा। बिल्कुल, देखिए बयान जिस तरीके से बदल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आज शशि थरूर ने जिस तरीके से अपने बदले तरीके बदले, उन्होंने कहा कि नहीं, आज उनके ऊपर जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है, उनकी पत्नी की हत्या की, वो भी अपने तरीके से उन सारी चीजों को सेव करना चाहते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोलता हूँ और बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में गांधी परिवार, नेहरू परिवार के जितने भी सेगमेंट थे, उनके ऊपर बहुत सारी तलवारें लटकी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने अपने तरीके से, जिनको अपनी झोली में ये पता है कि हमने कितना गलत किया है और कितना सही किया है। तो सब सबके अंदर एक डर है और एक एक रिसर्च टीम कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी ने अपने तरीके से डेवलप की है इस पूरे इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में, कि किसने क्या क्या किस किस तरीके से गलत किया है। आपको याद होगा वो जुमला, ने खाने खाऊंगा ने खाने दूंगा, और मैं ये वर्ड जुमला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी बीजेपी के लोगों को जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ कि मैंने ये जुमला कहीं दिया गया था मोदी जी के द्वारा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, परंतु अब जाके उसको मैं चरितार्थ होता हुआ देख सकता हूँ। अब जाके मैं उन सारी चीजों को मैं ये देख सकता हूँ कि हाँ, ये पहले जुमला था, परंतु अब आकर कहीं ना कहीं ये चीजें सामने देखने को मिल रही है। परंतु देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या निष्पक्ष रूप से सारी चीजें होगी या द्वेषतापूर्ण होगी या राजनीतिक द्वेषता के साथ होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। परंतु निष्पक्ष रूप से अगर कहीं पे, अगर उनकी पार्टी के लोग भी कहीं इन्वॉल्व हैं, क्या उनके ऊपर भी सारी कार्रवाई होगी? कांग्रेस जो उनका प्रतिपक्ष है, उनके साथ भी कार्रवाई जो हो रही है वो अलग बात है। परंतु क्या वाकई में एक निष्पक्ष राजनीतिज्ञ के होते हुए निष्पक्ष रूप से अगर सारी कार्रवाइयां होती है तो देश के भले की बात है, इसमें कहीं से कहीं तक राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इन सब से हटकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि कश्मीर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के मामले को तूल दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कश्मीर जाकर लोगों की। तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप तो इसे दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक रूप देने की बात, जहां तक कश्मीर को लेकर बात है कि कश्मीर मुद्दे में क्या है, कश्मीर मुद्दे को तो लोगों ने, आज देश की जनता ने सर आंखों पे लेकर उसका सब कुछ स्वागत किया है, ऐसा नहीं है। कश्मीर के कुछ छोटे से जो लोग हैं जिनको के पीओके को लेकर या बाकी चीजों को लेकर जिनको बरगलाया गया है, धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी आजादी सबसे बड़ी आजादी है, 370 और 35A को लेकर। बाकी कश्मीरियों ने भी तो स्वागत किया ही है वहां पर, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ने स्वागत किया है, हिंदुस्तान में एक जश्न का माहौल रहा है जब। तो
तो इसलिए वहां से ध्यान हटाने का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। रही बात कश्मीर के इंटरनल तबकों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं कल भी सुनाई दी थी, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों ने रैली निकाली है 370 के खिलाफ में, बहुत सारी चीजें हुई है। परंतु एक चीज है, जो लोग भटके हुए हैं उनको वापस राह पे लाना उनको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी जितने भी ये सोच रहे हैं कि 370 हटने के बाद उनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, ये चीज गलत मानी जाएगी। क्योंकि ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बैड इफेक्ट भी हैं, तो अगर उसके 30% बैड इफेक्ट है तो उसके 70% फायदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, दीप्ति सिंह जी। जी, पी चिदंबरम जी की याचिका को खारिज कर दिया गया है, वकीलों की फौज पूरी तरह से लगी हुई थी और कहीं ना कहीं अब जो खारिज कर दिया तो एक मायूसी हाथ लगी। अब अगला स्टैंड क्या रहने वाला है पी चिदंबरम की ओर से? अभी तो जब एक बार इनका प्ली खारिज होने के बाद अभी कुछ दिनों तक तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी इनको एज अ प्रोसेस जो सीबीआई की तरफ से चल रहा है और जो पूछताछ जारी है इनका, इनको सहयोग करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद अगला जो इनका ईडी की तरफ से उनके ऊपर जो भी आरोप है उसको भी इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से तो इनको किसी भी तरीके से रिलीफ नहीं मिल पाया है, और चाहे जितना भी इनको कहें कि हुजूम लेकर चले थे वकीलों के, और ये टॉप मोस्ट लॉयर हैं भारत के, और उन्होंने भी कुछ नहीं इनको रिलीफ दिला पाए। तो इनका इसका एक साफ मतलब ये है कि न्याय जब अपने पर आता है तो फिर वो किसी भी लेवल के वकील हो उसमें दलीलें काम नहीं आती। सब कुछ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से ये छिपे रहे, कई घंटे तक गायब रहे, उसके बाद अपनी ही आला कमांड के यहाँ जब कोई मीटिंग होती है वहां पे हो जाती, मतलब कानून को की धता बताने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। और सुप्रीम कोर्ट को ये साफ तौर पे, वो भी न्यूज ऐसा तो नहीं है कि लोगों की नजरों से ये छिपे हुए थे, एक हाई प्रोफाइल केस है, सबकी नजरें इस पे थी, और जब इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और उसके बाद सीबीआई के रिमांड पे गए और इसके अंदर इन्होंने ये सोचा कि कहीं इनको रिलीफ मिल जाएगा और राइट टू बी हर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने प्ली डाली थी कि मुझे भी सुना जाए, लेकिन साफ तौर पे इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उनको किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिला। अगला इनका अभी यही होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होगा कि इनको कोऑपरेट करना है सीबीआई के अरेस्टिंग में और जो भी उनसे पूछताछ किया जाएगा उनको जवाब देना पड़ेगा, और जिस तरीके से सवाल आएंगे उस तरीके से उनको जवाब देने होंगे। अभी कोई वकालत काम नहीं आने वाला अंदर। बिल्कुल दीप्ति सिंह जी, सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे अब पी चिदंबरम, तो क्या लगता है कि कितने दिनों तक और ये मामला चलेगा? अब इसके लिए फिर से सीबीआई अपनी तरफ से प्ली डालेगा। पहले 5 दिनों का इन्होंने रिमांड मांगा था तो इनको मिल गया था। अभी अगला इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको अगले और कितने दिनों तक के लिए रिमांड में ये रखना चाहते हैं और इसके लिए डिमांड करते हैं, इसके लिए ये अपना पिटीशन डालते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।